हेलो, मैं हूं निशांत और आप लोग देख रहे हैं डेटा एनालिस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग देख रहे हैं यूनिट नंबर 3 टेबल एंड मैट्रिक्स। आज का हमारा लेक्चर होगा 3.9, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एड टोटल्स और सब टोटल्स को यूज करते हैं अपने मैट्रिक्स में। बट ये जो लेक्चर है हमारा, प्रीवियस लेक्चर 3.8 से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग एक हायरार्की को क्रिएट करते हैं और उस हायरार्की में जो हमारा जो पहला टोटल होता है, एक कैटेगरी का जो टोटल होता है, इसे हम लोग जो है सब टोटल कहते हैं, इसे हम सब टोटल कहते हैं। और जो हमारा ग्रैंड टोटल होता है कॉलम का, ये वाले टोटल को हम लोग ग्रैंड टोटल या फिर एड टोटल्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं कि कैसे हम लोग एड टोटल और सब टोटल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। सो चलिए पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग यहाँ पे ग्रैंड टोटल और सब टोटल को समझते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स के अंदर रो पे कुछ वैल्यू एड ऑन कर दी है, जो हमने पहले भी किया हुआ है, और वैल्यूज के अंदर ही मैंने यहाँ पे सेल्स की वैल्यू को एड ऑन कर दी है। आपको अच्छे तरीके से विजिबल हो, इसलिए मैं यहाँ पे फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। सो इस तरह से हमारा जो है फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया और एक बेसिक सा मैट्रिक्स टेबल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। अब यहाँ पे एक बार मैट्रिक्स क्रिएट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स आपने हमने पहले भी क्रिएट किया हुआ है। एक बार मैट्रिक्स क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉलम का सब टोटल और हमारे रो का सब टोटल। जैसे मैं इसे एक ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो हायरार्कीज है, यहाँ पे जो हमारी जो कैटेगरी बनी है, ये आपका यहाँ पे मिसिंग हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है। अब मैं जैसे ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेल्स पे यहाँ पे कंप्लीट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब नीचे हम लोग चलते हैं और नीचे यहाँ पे अप्लाई टू सेटिंग्स पे मैं ऑन करता हूँ और इसे हम लोग ना एक एक रो वाइज भी कर सकते हैं कैटेगरी और सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बट हमने यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है रो को सब कैटेगरी और कैटेगरी के वाइज, इसलिए अभी हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। बट इसको मैं बॉटम पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो अपर साइड में दिख रहा था आपको, जो ये जो आपका सब टोटल है, ये बॉटम में आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू पे जाके कुछ बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट को चेंज करके दिखाता हूँ आपको, जिससे कि आपको यहाँ पे दिखे कि कहां पर हमारा सब टोटल शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो ऑन किया है, उसके बाद जो अप्लाई टू लेबल को ऑन किया है, तो हमारा जो है कैटेगरी साइड में भी जो लेबल है या हमारा बैकग्राउंड है वो वहां पे भी अप्लाई हो चुका है। ये बहुत बेसिक सी चीज है जिसको आप टेबल में भी यूज कर सकते हैं और मैट्रिक्स में भी यूज कर सकते हैं, जो आपको मैट्रिक्स में दिखा रहा हूं। इसी तरीके से रो सब टोटल के बाद कॉलम सब टोटल भी होता है। तो चलिए हम लोग कॉलम सब टोटल को आप देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जाते हैं कॉलम पर, एक वैल्यू को एड ऑन करते हैं। जैसे आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मार्केट पे वैल्यू एड ऑन की, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम जो है हमारा इंक्रीज हो चुका है। तो इस मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा जो कॉलम है, इस पे जो हमारा जो टोटल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं अभी जाके कॉलम का सब टोटल को ऑन करता हूँ, अब यहाँ पे जो टोटल है हमारा सब टोटल हमारे कॉलम का यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कॉलम का सब टोटल को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं और पर कॉलम के लेवल में भी वर्क कर सकते हैं। इसकी वैल्यू में जाके मैं कुछ कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो पिंक कलर से आपको जो शो हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसको हम लोग जो है सब टोटल कहेंगे। इसको मैं रिसेट टू डिफॉल्ट कर देता हूँ, जिससे कि सारा का सारा सेक्शन रिसेट हो जाए। अब हम लोग चलते हैं हमारे ग्रैंड टोटल की तरफ। जस्ट नीचे आप लोग को दिख रहा होगा कॉलम ग्रैंड टोटल और रो ग्रैंड टोटल। मैं रो ग्रैंड टोटल पे क्लिक करता हूँ, नीचे जो कलर है उसको चेंज कर देता हूँ। कलर को चेंज करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके देख पा रहे होंगे। एक बार मैं फिर से अनदर कलर ले लेता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से दिखे बैकग्राउंड कलर को। आप ये नीचे देख रहे हैं, ये है हमारा कंप्लीट या फिर ग्रैंड टोटल। ये ग्रैंड टोटल और सब टोटल इसलिए जरूरी हो जाता है जब हमारा मैट्रिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हम लोग को कंप्लीट ग्रैंड टोटल निकालना होता है। और कई बार ग्रैंड टोटल को मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। सो कई बार हम लोग जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल और सब टोटल काफी यूजफुल हो जाता है। इस फंक्शन को मुझे आपको बताना था इस लेक्चर के अंदर। यही चीज आप टेबल के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल और सब टोटल्स क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग चेंज करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग को। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम लोग डेटा के अंदर जाकर देखेंगे कि कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।